दिल्ली के शास्त्री नगर स्थित ओम शिव मंदिर में ब्राह्मणों की तरफ से कोरोना महामारी जल्द समाप्त हो और विश्व की शांति के लिए हवन यज्ञ करवाया जा रहा है। इसी के साथ मंदिर के पंडित ने बताया कि इस बार सावन के महीने मंदिर परिसर में कोई भी कार्यक्रम नहीं करवाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते हुए मंदिर कमेटी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। इस मौके पर गुरु पंडित धनश्याम, कमल किशन भार्गव, कमलेश, वासुदेव पांडे और प्रेम पांडे मौजूद थे। सभी भक्तों को जय माता दी। इस समय आप देख रहे हैं सभी ब्राह्मण के माध्यम से यहाँ पे सब चंडी आयोजन चल रहा है। इसके माध्यम से वर्तमान समय में हम कोरोना महामारी के बीच में चल रहे हैं। इस महामारी से सभी विश्व शांति के लिए और इस महामारी से निजात पाने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है और इसमें आपके माध्यम से हम सभी पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सभी ब्राह्मण देखिए मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख करके पाठ कर रहे हैं। तो आप सभी से भी, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि सभी उचित दूरी बना करके रखें और श्रावण मास में जो कांवड़ का आयोजन था वो रद्द कर दिया गया है। कोई भी भक्त हरिद्वार जाकर के गंगा जल ना लाए। गंगा जल कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका मन पवित्र है तो भगवान शंकर को एक लोटा ही जल अर्पण करिए अपने घर में, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। और सभी लोग अपने घर में ही भोलेनाथ का अर्चन करिए, श्रावण का आनंद लीजिए, भगवान शिव का व्रत करिए और आप सभी की मंगल कामनाओं के लिए हम सभी ब्राह्मण लोग यहाँ पर पाठ कर रहे हैं। सभी आनंद से रहिए, जय माता। श्रावण के महीने में देखिए विशेष भगवान शंकर की पूजा होती है। यदि कोई घर में अनुष्ठान करना चाहे तो ये विशेष पर्व होता है भगवान भोलेनाथ का। इसमें यदि आप भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं तो अधिक फल देता है। यदि आप घर में कर सकते हैं, यदि आप सोशल डिस्टेंस रख के मंदिर में भी आ सकते हैं, भीड़ ना बनाएं, एक एक कर करके अपना भगवान शंकर का अभिषेक करें। शिवरात्रि, विशेष शिवरात्रि होती है श्रावण के महीने में, शिव चौदस को हमसे भी जाना जाता है। मैम, लॉकडाउन के बारे में देखिए, अभी बीच बीच में काफ़ी परेशानी गई दिल्ली वालों को लॉकडाउन में, क्योंकि कभी मंदिर सारे बंद हो गए थे और सारा कामकाज बंद हो गया था और ये अभी ऑक्सीजन की भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी अभी पिछले इसमें लॉकडाउन में। अभी सुन रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ रही है। अब तीसरी लहर में फिर मुझे लगता है कि लॉकडाउन होने वाला है। अच्छा। अभी नहीं तो 15 दिन या 20 दिन में लॉकडाउन हो जाएगा। मैम, ये नवचंडी महायज्ञ है, हम लोग इसमें 9 ब्राह्मण हैं, तो माँ भगवती दुर्गा जी का पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, तो 9 दिन तक, आज सप्तमा दिन है, कल 8 दिन पूरे हो जाएंगे, कल इसका हवन भी है, तो गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में इसको रखा गया है। मैम, और मैं सभी भक्तों को ये भी बताना चाहूँगा कि 25 तारीख से हमारा श्रावण शुरू होने वाला है। सभी शिव भक्तों को पहला सोमवार 26 को पड़ेगा, तो जल पहला जल जो होगा वो सोमवार को चढ़ेगा, इसके बाद सावन शुरू हो जाएगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि वह जल अपने या तो घर में ही, क्योंकि लॉकडाउन भी हो सकता है उस टाइम, और मंदिरों पर जाना हो सकता है, मंदिर भी बंद हो जाए, क्योंकि अभी सिचुएशन जो चल रही है ना, बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है। मैम,